Hi guys, welcome to my video lecture. In this video lecture, I am going to talk on the concept called multimedia. Dear friends, before going to start my session, I make you one thing clear. This session or this video I prepare based on SBTE syllabus, that means State Board of Technical Education syllabus for diploma course. Now, before going to start my session here, I just want to give one example for the multimedia. Friends, what I am doing at present is the best example of multimedia. See here, first I am recording my video. Then after once recording is over, I will edit my video. I will put some text if required, then I will check the audio part. If needed, I will put some audio. If needed, I will insert some images. Then I will compress my video. Then finally, I will encode it, and then it will be uploaded. And at last, it will be reached to you. So this is one of the best example for the multimedia what I am doing at present for you. Now let us talk the basic, that means introduction part of the multimedia. So multimedia, what do you mean by multimedia? Multimedia means what? Multimedia kya hota hai? Uske baare mein hum log ko thoda samajhna hai. So abhi jo hum aapke saath kar rahe hain, that means abhi jo hum apne video ko bana rahe hain aapke liye, ye kya hai? It's the best example of the multimedia. हम अभी वीडियो को बनाएंगे. वीडियो बनने के बाद इस वीडियो को हम ज़रूरत होने के अनुसार हम इसमें टेक्स्ट करेंगे, मतलब एडिट करके हम लोग टेक्स्ट लिखेंगे अगर कुछ हमें लिखना होगा तो, या कुछ हमें लिख नीचे में डालना या टॉपिक का नाम डालना होगा तो हम एडिट करेंगे. फिर हम इसके ऑडियो पार्ट को देखेंगे, अगर होगा तो कहीं पर ऑडियो इंसर्ट करना होगा या कुछ कट करना होगा वीडियो का तो हम इंसर्ट करेंगे या कट करेंगे. फिर हम अगर हो सकता है हमें कॉलेज का लोगो लगाना है, या हो सकता है हम अपना फ़ोटो डालना चाहते हैं, या हो सकता है कॉलेज का नाम को इंसर्ट करना चाहते हैं या कॉलेज का लोगो के साथ डालना चाहते हैं, तो हम लोग इमेज को डालेंगे, उसके नाम को लिखेंगे, टेक्स्ट एडिट करेंगे. ये सब होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, ये फाइल को कॉम्प्रेस करेंगे. कॉम्प्रेस होने के बाद इसको हम लोग इनकोड करेंगे. इनकोड होने के बाद फिर हम इसको प्लेटफॉर्म पर, जहाँ से हमें इसको अपलोड करना है, यूट्यूब चैनल पर हम इसको अपलोड करेंगे. अपलोड होने के बाद ही आपके पास ये वीडियो पहुँच पाएगी. तो ये दौरान में जितने भी प्रोसेस मैंने आपको बताया, वीडियो को रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको एडिट करना, एडिट के दौरान हमने टेक्स्ट को एडिट किया, फिर हमने इमेज को एडिट किया, फिर हमने ऑडियो के देखा, फिर अगर हमें कुछ वीडियो में ट्रिम करना है, काटना है या जोड़ना है तो उसको मैंने किया, फिर उसको हमने कॉम्प्रेस किया, फिर कॉम्प्रेस होने के बाद उसको फिर हमने इनकोडिंग किया, उसके बाद फिर फाइनली हमने अपलोड किया. तो ये सब क्या है? इट्स अ एग्जांपल ऑफ द मल्टीमीडिया. इट्स अ एग्जांपल ऑफ द मल्टीमीडिया. सो मल्टीमीडिया क्या कर रहा है, हम इतना क्यों कर रहे हैं? हम तो वीडियो को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके हम आपको अपलोड करके दे सकते हैं, लेकिन अपलोड करने से पहले हम कॉलेज का नाम इस वीडियो में डालेंगे, कॉलेज का लोगो डालेंगे, हो सकता है कॉलेज का या मतलब स्टाफ, जो स्टाफ बना रहे हो अपना फ़ोटो को डालेंगे आपके लिए. तो ये सब जो हम कर रहे हैं, एडिटिंग पार्ट कर रहे हैं, फिर उसको हम लोग इनकोड करेंगे, फिर हम उसको कॉम्प्रेस करेंगे, एक कॉम्प्रेस करने के बाद फिर हम यूट्यूब चैनल पर डालेंगे. तो इतना जो प्रोसेस हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो फाइल जो हम रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत बड़ा फाइल बनेगा, वो कॉम्प्रेस करेंगे तो छोटा होगा, फिर हमने कॉलेज का इसका नाम इसमें एडिट करेंगे, फिर जो स्टाफ इस वीडियो को बना रहे वो अपने नाम को डालेंगे प्लस वो अपने पिक्स को डालेंगे. ये क्यों डाल रहे हैं? टू मेक यू अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव. टू मेक यू अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव. सो मल्टीमीडिया कहता है कि मल्टीमीडिया इज इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव मीडिया विच प्रोवाइड्स मल्टीपल वे टू रिप्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन टू द यूजर. क्या कहता है? मल्टीमीडिया इज अ इंटरैक्टिव और अट्रैक्टिव मीडिया विच प्रोवाइड्स मल्टीपल वे टू रिप्रेजेंट आवर इंफॉर्मेशन
to represent the here to represent our information in a powerful manner. Powerful manner means what? हम यहाँ पर कुछ वर्ड को अंडरलाइन कर रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको समझने के लिए पावरफुल मैनर यहाँ पर मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया. पावरफुल मैनर मीन्स व्हाट? बाय यूजिंग दिस हमने जो एडिटिंग किया, इंसर्ट किया पिक्चर्स को, फिर नाम को डाला, फिर कॉम्प्रेस किया, फिर अपलोड किया, ये सब क्या है? सब हमने आपको अट्रैक्टिव करने के लिए, आपको इसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने अपनी इन्फॉर्मेशन को, इन्फॉर्मेशन तो वही है लेकिन इसको मेक यू मोर अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव सो दैट यू आर एबल टू बी कम एंड सी माई वीडियो लेक्चर. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द मल्टीमीडिया. सो मल्टीमीडिया इज अ इंटरैक्टिव एज वेल एज अट्रैक्टिव मीडिया विच प्रोवाइड मल्टीपल वे टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन टू द यूजर इन अ पावरफुल मैनर. सो ये मल्टीमीडिया कहता है. दूसरे वर्ड में हम लोग ये कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया इज रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, इट्स मल्टीमीडिया इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कह रहा है यहाँ पर इट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एन अट्रैक्टिव एज वेल एज इंटरैक्टिव मैनर विद द यूज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन. हम ये पांच पॉइंट को हम अंडरलाइन करना चाहते हैं आपके लिए. टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक एंड एनिमेशन. सो दीज आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मल्टीमीडिया. सो वेन एवर वी आर गोइंग टू डू एनी प्रोजेक्ट इन मल्टीमीडिया वी मस्ट यूज दिस फाइव बेसिक एलिमेंट्स, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स एंड एनिमेशन. बिकॉज बाई यूजिंग दिस एलिमेंट makes our things attractive or interactive. So multimedia is कहता है it's a representation of information in an attractive or interactive manner with the use of the combination of text. क्या कह रहा है? Use of the combination यानी कि ये सब का combination होना चाहिए, text का, audio का, वीडियो का, ग्राफिक्स का और एनिमेशन का. ये पांचों का कॉम्बिनेशन हो करके जो हमारा फाइनल जो आउटपुट मिलता है एंड दैट इज अट्रैक्टिव और इंटरैक्टिव इन नेचर एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया. सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मल्टीमीडिया इज कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन. क्या कहता है? इट्स ए कंप्यूटराइज्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन. रियली इट्स ट्रू. हाउ? बिकॉज टू represent our information we are using to do some tech editing part, adding part, animation we are adding, many things we are doing, that is the computerized method. And the example of the multimedia is email, Yahoo Messenger, video conferencing and MMS, that is multimedia message service. So these are the basic example. So this is the basic introduction part I touched for you. Now we have to see the definition of the multimedia. What is multimedia? Multimedia kya hota hai uske bare mein hum log dekhenge. So multimedia is the field. I am just reading. I make you easy to understand. Multimedia is the field concerned with computer control integration of text. See here. Multimedia is a field concerned with computer control integration of text, graphics, image. क्या लिख रहा है? Multimedia is the field. एक field है concerned with computer control integration. Integration means what? We are going to be integrate. We are going to be add. How we are going to be at? By using the computer, by controlling computer, by the help of computer. So integration of text, graphics, drawing, still or moving images, that is called video, animation, audio and any other media where every type of information can be represented, stored, transmitted and proceed digitally. Dear students, kindly please try to understand. This is the exact definition of the multimedia. So multimedia is a field concerned with
computer control integration. It's a field which is controlled by the computer. Integration of text, graphics, drawing, videos, animation, audios and any other media or bhi kisi tarah ka media isme ho, where every type of information can be represented, जहाँ पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं एंड फाइनली प्रोसीड डिजिटली, जिसको हम लोग डिजिटली प्रोसीड कर सकते हैं. इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मल्टीमीडिया मींस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ऑडियो वीडियो एनिमेशन इन एडिशन टू ट्रेडिशनल मीडिया. सो इन अ सिंपल वे वी कैन से दैट मल्टीमीडिया मींस computer information can be represented through audio video animation and traditional media. So in a simple way we can say that. Now let us see, I already told you at the beginning itself, we have a five basic elements in multimedia. Many places I used here, see again I am using here. So audio video this year, text is there, video is there, animation is there, graphics is there, audio is there. So these are the basic components of a multimedia. So when we are going to represent our information by using the concept of the multimedia, we are going to be use the elements of multimedia, and these are the five basic elements. Text is there, video is there, audio is there, animation and graphics. By using these five elements, the combination of these five elements, our final product will be attractive or interactive in nature. So these are the five basic elements we are going to see one by one in detail. And see here, this figure is the example of advanced computer system. Is a great example of modern multimedia. So that means this figure is an example of advanced computer system in a modern multimedia. In this figure we have seen that all the things are there. All the things are there almost. So I took this image just to make you more easy to understand the concept of multimedia. I hope it is clear. So multimedia ka introduction maine aapko bataya. Multimedia kya hota hai maine bataya. Simple way mein aap bas itna samajhe ki multimedia kya hai. Ek aisa media hai jo hamari information ko interactive aur attractive way mein represent karta hai. By the combination of using text, audio, video, animation and graphics. बस इतना ही, इस चीज़ को अभी समझ लेंगे. अब हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. व्हाट आर द फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. सो वी हैव फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया. वी हैव टू सी वन बाय वन. सो इन दिस फाइव बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मल्टीमीडिया वी हैव सीन दैट टेक्स्ट इज द फर्स्ट वी हैव टू सी. इन टेक्स्ट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. टेक्स्ट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. सेज दैट टेक्स्ट इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. इट इन्वॉल्व्स द यूजेस ऑफ टेक्स्ट टाइप्स, साइज, कलर्स एंड बैकग्राउंड कलर. सो इन अदर वर्ड वी कैन सी हियर all multimedia produce some productions contain some amount of text. The text can have various type of font, size, color and background. So text is one of the basic element of the multimedia. Multimedia ka text jo hai ye one of the basic element mana jata hai. Aur kaha jata hai ki text involves the uses of text types, text size, text color and background color. So text type means what?
For example, we have a many types of a text. Times New Roman is one type, Calibri is other type, Arial Blake is there. So like this, we have many text types. When we are going to be considered the size, that means we are talking about the font size. Bigger, smaller, that is the font size. Color means see here. In this figure, page, the color is white. Text color is white, but background color is black. In this, I am talking this picture image. In this, background color is black, but text color is white. So that is the four things we involve here in text. So kata hai, फिर से हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि टेक्स्ट इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. मल्टीमीडिया का ये बेसिक एलिमेंट है. जब हम लोग और जब इसको हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं, टेक्स्ट हम लोग कुछ भी टेक्स्ट करते हैं, तो हमें चार चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है. उसकी साइज को हम लोग देखते हैं, उसकी टाइप को हम लोग देखते हैं, उसकी कलर को देखते हैं और बैकग्राउंड कलर को देखते हैं. तो जैसे हमने ये अभी आपके सामने ये पीपीटी दिख रहा है, ये मतलब पीडीएफ फाइल दिख रही है, ये पीडीएफ फाइल जो हमने आपके सामने ये बनाया है, इसमें हमने यहाँ पर देख रहे हैं हमारा बैकग्राउंड कलर क्या है, वाइट है. इसके अगर बात करेंगे तो हमारा बैकग्राउंड कलर वाइट है. हमारा टेक्स्ट कलर क्या है, हमारा ब्लैक है. साइज क्या है हमारा, ए हम 12 लेकर चले हैं. और इसका टाइप क्या है हमारा, तो टाइम्स न्यू रोमन पर हम आपके लिए पीडीएफ बनाए हैं. So that is the four things involved here. So these are the four things what I talked here. I hope it is clear for you. दूसरी बात इसमें एक कहता है टेक्स्ट में, बिकॉज टेक्स्ट कहा जाता है कि टेक्स्ट इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट माना गया है. हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, इन मल्टी मीडिया एप्लीकेशन वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइपर टेक्स्ट. हाइपर टेक्स्ट मीन्स वी आर गोइंग टू बी लिंक वन पेज विद द अदर पेज और वन स्क्रीन विद द अदर स्क्रीन. सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइपर टेक्स्ट. इन मल्टी मीडिया एप्लीकेशन अदर मीडिया और स्क्रीन कैन बी लिंक थ्रू द यूज ऑफ टेक्स्ट. दैट मीन्स बाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्स्ट वी आर लिंकिंग वन मीडिया और वन स्क्रीन टू द अनदर स्क्रीन बाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर टेक्स्ट. सो सी हियर, हियर लिंक इज गिवेन हियर इन दिस इमेज. यू सी this is the link, that is called hypertext. Once you click here, it will be go to the website and it will open the other web page. So that is the concept of the hypertext. I hope it is clear for you. Now we are going to see the graphics. So graphics is the second element of the multimedia. In graphics, naturally we know that people don't want to read more text. ग्राफिक्स मीन्स मेक्स द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अट्रैक्टिव. क्या बताता है यहाँ पर, ग्राफिक्स मेक्स द मल्टीमीडिया एप्लीकेशन अट्रैक्टिव. समझ रहे हैं, ये मीडिया एप्लीकेशन अट्रैक्टिव बना देता है. दूसरी बात ये कहता है, पीपल डू नॉट लाइक टू रीड लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट. देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफिक्स. There are two types of a graphics, bitmap and vector. So what we are going to do, by using the image, we are going to be express our idea. So therefore graphics are used more often than text to explain a concept, present background information. So instead of using more text, we are going to be use the graphics. For example, it is the important and interesting component of multimedia is image. It is one of the basic fact in multimedia is that people do not like reading large amount of text information. So graphics are used to make better presentation. So we are going to be use the concept of the graphic instead of more text. So there are two types of graphics here, bitmap images and the vector images. So bitmap means we are going to be use bitmap images are the real images. It's a real picture.
वाइल टेकिंग, जब हम लोग फोटो लेते हैं कैमरा के द्वारा या सेलफोन के द्वारा, दैट इमेज इज कॉल्ड द बिटमैप इमेज. वेक्टर ग्राफिक्स आर ड्रॉन ऑन द कंप्यूटर एंड ओनली रिक्वायर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी. सो वेक्टर इमेज क्या है? जो हमने कंप्यूटर के द्वारा हमने उसको ड्रॉ किया है. ठीक है, ये तो दोनों में डिफरेंस होता है. अब हम लोग देखेंगे ऑडियो के बारे में. हम लोग देखेंगे ऑडियो इज द अदर कंपोनेंट ऑफ आवर अदर एलिमेंट ऑफ आवर मल्टीमीडिया. इन ऑडियो वी हैव टू टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल ऑडियो. सो इन ऑडियो वी हैव टू टाइप्स, एनालॉग एंड डिजिटल ऑडियो. सो कहता है यहां पर, अ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में रिक्वायर द यूज ऑफ स्पीच, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट. डियर स्टूडेंट्स, ये कहता है मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पीच, म्यूजिक एंड साउंड इफेक्ट. दिस आर कॉल्ड ऑडियो और साउंड एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. स्पीच इज ऑल्सो ए परफेक्ट वे ऑफ टीचिंग. स्पीच क्या कहता है? इट्स अ परफेक्ट वे ऑफ टीचिंग. जो हम बोलते हैं वो सही तरीका है. जो अभी हम आपको क्या कर रहे हैं, हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इट्स स्पीच और इट इज़ वन ऑफ द परफेक्ट वे ऑफ परफेक्ट वे फॉर टीचिंग. ये टीचिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. अब बताता है कि हमारे दो तरह का ऑडियो होता है. एक होता है एनालॉग ऑडियो और दूसरा होता है हमारा डिजिटल ऑडियो. तो एनालॉग ऑडियो क्या होता है? एनालॉग ऑडियो रेफर्स टू द ओरिजिनल साउंड सिग्नल. दैट मीन्स यहां पर भी हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे कि एनालॉग ऑडियो जो होता है, इट्स अ ओरिजिनल साउंड सिग्नल. इट्स अ ओरिजिनल साउंड सिग्नल. वेयर एज डिजिटल ऑडियो रेफर्स टू द डिजिटल सैम्पलिंग ऑफ द एक्चुअल साउंड. यानी कि अभी हमने क्या किया, अभी हम रिकॉर्डिंग करने के बाद हम जब उसमें अगर कुछ हम और उसमें हम चेंजेस करेंगे आवाज़ में या कुछ उसको सैम्पलिंग करेंगे, दैट बिकम अ डिजिटल. सो हमारा ऑडियो जो होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर मल्टीमीडिया. इन दिस we have two types of audio, analog and digital audio. So analog audio kehta hai refer to the original sound signal and digital refer to the sampling. That means we are going to be adding something, refers to the digital sampling of the actual sound. So ye dono mein antar hota hai. Ab hum log ko dekhenge yahan par कि किस तरह से हमारा ये जो ऑडियो एलिमेंट है हमारा, और क्या हमारे लिए इसमें फायदा करता है. तो हम पहले तो हमने आपको बताया कि मल्टीमीडिया एप्लीकेशन में रिक्वायर्स द यूज ऑफ स्पीच, म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स. दीज आर कॉल्ड ऑडियो और साउंड एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया. सेकेंड थिंग हम ये चीज़ कह रहे हैं कि स्पीच इज़ ऑल्सो अ परफेक्ट वे फॉर टीचिंग. टीचिंग के लिए हम लोग स्पीच को परफेक्ट वे मानते हैं. ऑडियो आर ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल. ये दो तरीका का होता है, वो जो हम आपको बताए. फिर हमारा ऑडियो एनालॉग जो होता है, उसका कहने का मतलब क्या है, वो ओरिजिनल साउंड को रेफर करता है. और हमारा डिजिटल क्या कहता है, वो हमारा मतलब डिजिटल सैम्पलिंग ऑफ द एक्चुअल साउंड. एक्चुअल साउंड में हम लोग कुछ उसको डिजिटली सैम्पलिंग करते हैं, ऐड करते हैं या कुछ हम लोग चेंजेस करते हैं, दैट बिकम द डिजिटल ऑडियो. सो दिस इज द गुड वे आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस टू थिंग. सी हियर दिस टू. सो now see this pictures. This is the image one. I have taken one image how the frequency or how the voice will be moving
कैसे मूव करता है इस इमेज के दौरान हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि हम जब बोलते हैं तो आवाज़ जो हमारा सैम्पलिंग कैसे किया जा रहा है यहाँ पर, यह कैसे प्रोड्यूस होती है, वो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, हम लोग वीडियो के बारे में हम लोग देखेंगे कि बी एज आई टोल्ड यू वीडियो इज अनदर वन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आवर मल्टीमीडिया। सो वीडियो, द टर्म वीडियो रेफर्स टू द मूविंग पिक्चर, द टर्म वीडियो रेफर्स टू द मूविंग पिक्चर, यानी कि मूविंग पिक्चर को हम क्या बोलते हैं, वीडियो कहते हैं जिसमें साउंड भी हो। द टर्म वीडियो रेफर्स टू द मूविंग पिक्चर एकॉम्पेंड बाई साउंड, साउंड से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए, सच एज अ पिक्चर इन द टेलीविजन, जैसे हम लोग टेलीविजन पर है, हम लोग मूवी देखते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसमें आदमी बोलता है साथ उसका आवाज भी निकलता है। तो ये चीज कर रहा है कि वीडियो, ये कह रहा है यहां पर द टर्म वीडियो रेफर्स टू द मूविंग पिक्चर एकॉम्पेंड बाई साउंड, साउंड से वो जुड़ा हुआ होना चाहिए। सो वीडियो एलिमेंट ऑफ मल्टीमीडिया एप्लीकेशन गिव्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन। सो कहा जा रहा है यहाँ पर कि वीडियो इज वन ऑफ द बेसिक एलिमेंट लाइक टेक्स्ट, बाय यूजिंग दिस एलिमेंट इन शॉर्ट और इन ए स्मॉल ड्यूरेशन वी आर एबल टू गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि हम लोग वीडियो के द्वारा छोटे समय में हम लोग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को पास कर पाते हैं, दे पाते हैं। सो ये हमारा एक अदर एलिमेंट है। अब हमें डिजिटल वीडियो, अब दिखा गया यहाँ पर एक वर्ड हमारे पास में आया है डिजिटल वीडियो। सो डिजिटल वीडियो यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशन फॉर शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, सो शोइंग रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, सो रियल लाइफ को ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए हम लोग डिजिटल वीडियो को हम लोग इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीडिया में। सी दिस इमेज, क्या कह रहा है, इज द टेक्नोलॉजी व्हाट, वीडियो इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कैप्चरिंग, सी हियर ऑल द पॉइंट्स यू जस्ट रीड हियर केयरफुली, सो वीडियो इज द टेक्नोलॉजी ऑफ कैप्चरिंग रिकॉर्डिंग प्रोसेसिंग ट्रांसमिटिंग एंड रिकंस्ट्रक्टिंग मूविंग पिक्चर। दैट मीन्स क्या करता है ये, कैप्चर करने में रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, प्रोसेसिंग करते हैं हम लोग, फिर ट्रांसमिट करते हैं हम लोग, फिर उसको रिकंस्ट्रक्टिंग करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और फिर उसको पिक्चर में हम मूविंग पिक्चर को हम लोग कर देते हैं। सो इट्स वन ऑफ द टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी आर एबल टू बी कैप्चर रिकॉर्ड प्रोसेस ट्रांसमिट रिकंस्ट्रक्ट एंड मेक द मूवी। सो वीडियो इज मोर टूवर्ड्स फोटो रियलिस्टिक इमेज सिक्वेंस, डियर स्टूडेंट्स काइंडली अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, वीडियो इज मोर टूवर्ड्स फोटो रियलिस्टिक इमेज सिक्वेंस, लाइव रिकॉर्डिंग एज इन कंपेरिजन टू एनिमेशन। अगर हम लोग एनिमेशन और वीडियो में देखते हैं तो दोनों में ये बताने का अंतर बताने का कोशिश किया गया है कि वीडियो इज मोर रियलिस्टिक, मोर टूवर्ड्स फोटो रियलिस्टिक इमेज सीक्वेंस, लाइक इमेज सीक्वेंस लाइव रिकॉर्डिंग एज इन कंपेरिजन टू एनिमेशन। सो दैट मीन्स इन वीडियो वी हैव अ लाइव रिकॉर्डिंग, फोटो मेक्स द रियलिस्टिक इमेज सीक्वेंस, जो हमारा एनिमेशन में ऐसा नहीं होता, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं होती है। सेकेंड थर्ड पॉइंट ये कहता है इसमें कि वीडियो ऑल्सो टेक्स अ लॉट ऑफ स्टोरेज स्पेस, सो वीडियोज ऑल्सो टेक अ लॉट्स ऑफ स्टोरेज स्पेस, सो प्लान केयरफुली बिफोर यू आर गोइंग टू यूज इट। सो इट इज टेलिंग दैट बिफोर गोइंग टू बी यूज देन वी हैव टू प्लान इट केयरफुली, व्हाई, बिकॉज वीडियो इज गोइंग टू बी टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस। सो सी हियर आई हैव गिवन द एग्जाम्पल फॉर द वीडियो, दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन फॉर यू, एग्जाम्पल फॉर द
multimedia video. As we have party, we have marriage, we have many festivals or many कुछ कुछ हमारे घर में अपना प्रोग्राम हम लोग करते हैं, पार्टी मनाते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, मैरिज एनिवर्सरी होती है, ये हम लोग कुछ हम लोग शादी का हम लोग शादी के दौरान में हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं. तो जब हम लोग वीडियो जब हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो क्या हमारा है, इट्स अ पार्ट ऑफ द मल्टीमीडिया. रिकॉर्डिंग करने के बाद हम लोग बस वैसे ही ले लेते हैं रिकॉर्डर से, नहीं, हम लोग वो जो मैन जो हमारा कैमरा मैन होता है वो रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको एडिट करता है, उसमें वो नाम डालता है. फॉर एग्जांपल व्हेन हम जस्ट हम शादी का हम बात कर रहे हैं, जस्ट टेक अ मैरिज. ड्यूरिंग द मैरिज अ कैमरा मैन या वीडियोग्राफर केम एंड ही टुक ऑल द इमेजेस और ही टुक ऑल द वीडियोज. एंड आफ्टर दैट व्हाट ही विल डू, ही विल कलेक्ट द पेरेंट्स नेम, बॉयज नेम, गर्ल्स नेम, देन बोथ साइड ही नेम ही विल कलेक्ट एंड देन फाइनली ही विल एडिट. सारा को एडिट करेगा वो, देन फाइनली ही विल सैम्पलिंग. देन वो फिर हम लोग कुछ शॉन म्यूजिक को डालेगा वीडियो के अंदर में, जहाँ वो काटना होगा वो काटेगा, फिर जहाँ पर ऐड करना होगा वहाँ पर वो ऐड करेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर द मल्टी मीडिया. सो वीडियो इज वन ऑफ द एलिमेंट इन अ मल्टी मीडिया. आई होप आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको. सो वीडियो के हमारा अंदर में हमने देखा कि वीडियो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, छोटे समय में यानी कि थोड़े समय में हम अच्छी इन्फॉर्मेशन को हम लोग पास कर पाते हैं. सो दिस इज़ वन ऑफ द यूजेस ऑफ वीडियो इन मल्टीमीडिया. सो जैसे हमने बताया, मान लिया हमारे पास बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी में भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वीडियोग्राफर को बुलाते हैं. वीडियोग्राफर क्या करता है, उस और वीडियो को लेते हैं. वीडियो को लेने के बाद वो क्या करेंगे, फिर उसको एडिट करते हैं. एडिट करने के बाद वो फाइनली फिर एडिट करते हैं. एडिट के दौरान वो इमेज को इधर से उधर करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं, म्यूज़िक को डालते हैं ना, फिर म्यूज़िक को डालते हैं, कुछ सॉन्ग्स को इधर से उधर मतलब ऐड करना है या डिलीट करना है, इस सब वो करके फाइनली हमारे पास वो अपना सीडी को लेकर आते हैं कि आप कहते हैं कि दिस इज़ योर फाइनल थिंग. फिर हम लोग उसको देखते हैं और हम लोग उसको इंजॉय करते हैं. वो अगर प्लेन लाकर ऐसे हमें दे दें तो क्या वो हमारे लिए मतलब वैसा इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकता है, नहीं होगा. सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मीडिया वी आर यूजिंग देयर. ठीक है, अब हम देखते हैं एनिमेशन. एनिमेशन पार्ट जब हम लोग देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं एनिमेशन. एनिमेशन क्या होता है, रियली एनिमेशन इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मल्टी मीडिया. सो एनिमेशन को अगर हम सिंपल वे में अगर हम आपके सामने डेफिनेशन दें तो कहता है कि एनिमेशन इज अ सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस दैट क्रिएट एन इलुस्ट्रेशन ऑफ मोशन. फिर से मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एनिमेशन इज अ sequential series of still images that create an illustration of motion. यानी कि still images को इस तरह से वो प्रस्तुत करता है कि लगता है कि देखने में वो move कर रहा है, but actually वो move नहीं करता है. That is called animation. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन बोलते हैं. हम लोग एनिमेशन की और हम लोग इसके अंदर में कुछ पॉइंट को हम लोग देखेंगे. सो एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टैटिक इमेज लुक्स लाइक इट इज मूविंग. डियर स्टूडेंट्स, काइंडली जस्ट सी दिस पॉइंट. एनिमेशन इज अ क्या कह रहा है, काइंडली जस्ट सी दिस पॉइंट. एनिमेशन इज अ process of making a static image looks like it is moving. Static means क्या, still image. That means हमने कैमरा से जो फोटो लेते हैं या सेलफोन से हम लोग फोटो लेते हैं, that image is called the static image. और उसको क्या कहता है वो, images moving like, उसको हम लोग इस तरह से करते हैं कि वो हमें
मतलब मूव करता हुआ दिखता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं। तो एनिमेशन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ स्टैटिक इमेज लुक्स लाइक इट इज मूविंग। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट एन एनिमेशन इज जस्ट अ कंटिन्यूअस सीरीज। सी हियर, इट इज रिटन हियर, कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ ऑल स्टिल इमेजेस, यानी कि जितने भी स्टिल इमेजेस होते हैं, जो हमारा एक एक करके फोटो होता है, उसको क्या करते हैं हम लोग एक सीरीज में उसको क्या करते हैं रखे रहते हैं, और वो कंटिन्यू वे में रहता है, और उसको हम लोग इस तरह से डिस्प्ले करवाते हैं कि इट सीम्स लाइक अ मूविंग, इट सीम्स लाइक मूविंग, वो इस तरह से दिखता है, लगता है कि वो मूव कर रहा है, वो चल रहा है खुद, बट रियली इट्स द स्टिल इमेज। सो सेकेंड पॉइंट ये कहता है, एनिमेशन इज जस्ट लाइक अ इज जस्ट अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस, इट्स अ कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस दैट आर डिस्प्लेड इन अ सिक्वेंस, जिसको हम सिक्वेंस में क्या करते हैं डिस्प्ले करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है, एनिमेशन कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन। क्या कह रहा है, एनिमेशन कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर अट्रैक्टिंग अटेंशन। वो इस तरह से मूव करता है कि किसी को वो अपने प्रति अट्रैक्ट करता है। एंड लास्ट पॉइंट सेज दैट एनिमेशन ऑल्सो मेक्स अ प्रेजेंटेशन लाइट एंड अट्रैक्टिव एंड इट इज वन ऑफ द पॉपुलर एलिमेंट इन द मल्टीमीडिया। दिस इज वन ऑफ द पॉपुलर एलिमेंट इन द मल्टीमीडिया। सो डियर फ्रेंड्स, एनिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए स्टैटिक इमेज लुक्स लाइक इट इज मूविंग, बट एक्चुअली द इमेज इज नॉट मूविंग, बट इट्स मेक इन सच अ वे सो दैट इट्स लुक्स लाइक अ मूविंग। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि एनिमेशन जो होता है कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ स्टिल इमेजेस का होता है, जिसको हम लोग सिक्वेंस में डिस्प्ले करवाते हैं, दैट इज कॉल्ड एनिमेशन, और इट इज वन ऑफ द पॉपुलर एलिमेंट इन मल्टी मीडिया एप्लीकेशन। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द एनिमेशन एंड दिस कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू बी यूज, वी आर यूजिंग इन द फील्ड ऑफ मल्टी मीडिया। सो सी हियर, आई हैव जस्ट शोन गिवन वन एग्जाम्पल फॉर द एनिमेशन। By using this animation, it's actually what? It's actually still image, but it seems like realistic. It seems like realistic. So these are the five basic elements of the multimedia. So in this video lecture, friends, I cover the basic introduction of the multimedia. Then what is actually multimedia? So I told you multimedia is a media which represent our information in an attractive or interactive way by the combination of five basic elements of multimedia called text, image, video, audio, एंड एनिमेशन। इमेजेस को हम लोग ग्राफिक्स भी कहते हैं। तो ये पांच का कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या करते हैं, अपने इंफॉर्मेशन को अट्रैक्टिव और इंट्रैक्टिव करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड मल्टीमीडिया। आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। फिर हमने एक एक करके हम पांचों बेसिक एलिमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया, टेक्स्ट क्या होता है, ग्राफिक्स, जैसे हमने टेक्स्ट के बारे में बताया, तो टेक्स्ट में हमने सबसे पहले ये बताया कि ये रियली बेसिक एलिमेंट्स है, लेकिन पीपल डज नॉट वॉन्ट टू बी रीड लार्ज टेक्स्ट। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ग्राफिक्स, दैट मीन्स द थिंग्स वी आर गोइंग टू बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग द इमेजेस, राइट। बट अगेन इन द टेक्स्ट वी आर यूजिंग डिफरेंट टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट टाइप्स, कलर, background color, why? To make you more attractive. See here, why I change the color of the text, why I change the font of the text, just because to make you attractive. See friends, here I put color is red, here I put color is little black, light black,
but here I take color is dark black. If you see the style, then here is italic in nature, here is normal. So why I did like this? To just make you attractive, to just make you interactive. So that is the concept of the multimedia. एक चीज इसमें हमने टेक्स्ट के बारे में और हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं कि टेक्स्ट में हाइपर टेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम लोग इस्तेमाल करते हैं और दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग वाइल डूइंग द मल्टीमीडिया बिकॉज एक पेज से एक जगह से हम लोग लिंक को खोलना चाहते हैं तो बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द हाइपर टेक्स्ट वी आर एबल टू डू. ग्राफिक्स तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, टू जस्ट अवॉइड द लार्ज amount of text. So bitmap images होता है, vector images होता है. Just I'm giving a brief overview or I'm just recalling for you to make you more easy. हम लोग audio में देखें, audio क्या होता है, जो हम लोग it's an important element in the multimedia. हमारी तरह दो तरह का audio होता है, एक analog audio होता है, दूसरा digital होता है. Analog audio is the original audio, that means original sound, and digital means sampling sound. Digitally sampling sound is called digital sound. So दोनों में अंतर हो जाता है. फिर हमने वीडियो देखा. वीडियो का सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये एलिमेंट के द्वारा हम लोग छोटे समय में अपनी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रख पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू बी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द वीडियो इन द मल्टी मीडिया. एंड एट लास्ट वी हैव सीन दैट एनिमेशन पाथ. To this part make the images just like a moving, but actually it's not moving. This that means we are keeping the still images in such a sequence series, it's appear like a moving. So animation kya karta, it's a process of making a static image look like it is moving. So that is called animation. And the best way to explain example, humne definition ye diya hai. Animation is a sequential series of still images that creates an illustration of motion. Motion का मतलब ऐसा देखने में दिखाता है, माया दिखाता है, जैसे बोलते हैं ना घूम मजे से फोटो को जैसा लगता है कि इस तरह से दिखाता है कि वो मूव कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो मूव नहीं करता है. सिक्वेंस में अरेंज करने की वजह से हमको ऐसा दिखता है. सो दिस इज वन एग्जाम्पल आई हैव गिवन फॉर यू. आई होप इट इज क्लियर फॉर यू. थैंक यू.